अच्छा वो कौन सा झूठ है जो आपने रिसेंटली बोला है अपने बॉस से या मामा से कहीं जाने के लिए? मैं अभी कुफरी गया था, शिमला कुफरी गया था और मैंने बोला मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा सर्वाइकल पेन एंड मैंने वॉक लिया और मैं सरोजिनी नगर घूमने आई हूँ। आप कितने दिनों तक बिना नहाए रह सकते हैं? दिन में दो बारी। मैं हर रोज नहाती हूँ, कभी कभी दो बार एक दिन में। अगर मुझे बोले एक महीना नहाने के लिए नहीं नहाऊंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कौन सा यूट्यूबर बहुत अच्छा लगता है? आशीष भुवन बाम या हर्ष बेनीराम। आप ने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? तीन दिन बाद बीबी को देखता था। मुझे लगता है आपने लव मैरिज की हुई है। हमारे माँ बाप देख के आते हैं वही शादी करते हैं। मेरा अरेंज मैरिज। अच्छा अगर अपनी मॉम को आपको कोई गाना डेडिकेट करना हो? माँ तुझे सलाम। कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है। 350 अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बनाओ हीरो। ऐसा कोई आपका इनर गार्मेंट या टी शर्ट आपकी जो उसको यूज नहीं कर रहे हो आप, तो घर पे मम्मा ने उसका क्या यूज किया? टिपिकली पोछा ही बनता है उसका। 100 बच्चे यहीं बनेंगे हीरो। अगर आपको अपने हस्बैंड और शाहरुख खान के बीच में चूज करना हो तो कौन हो? आज की डेट में चूज करना होगा तो डेफिनेटली माय हस्बैंड। पुराने डेट में शाहरुख। वो कौन सा बॉलीवुड स्टार है जिसका आप स्टाइल फॉलो करते हैं? शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान, रणवीर सिंह। मुझे जो खुद को अच्छा लगता है, खुद के लिए अच्छा लगता है, मैं उसको फॉलो करता हूं। तो ऐसा भी होता है कि लड़का और लड़की ट्विन्स होते हैं? हां होते हैं। हाथ मिलाऊं? नहीं। अच्छा फिर मैं रहने दो। अच्छा लग रहा है, सच है, बोल्ड गर्ल है। आप किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को फॉलो करती हैं? आई लाइक दीपिका पादुकोण। दीपिका। एंड एक्टर? रणवीर सिंह। रणवीर। देखो मैं दो दिन से नहीं आया हूं। ओके बैड यू। सो यू फीलिंग बैड? नो। तो वही तो मैं कहता हूँ, फिर क्यों नहाना? पानी है घर में, जिसके घर में नहीं है वो सोचेगा ना। लेकिन हमें पानी बचाना चाहिए ना। नहाने के लिए क्या बचाना है? तो एक दिन में नहीं नहाया तो क्या हुआ? तो फिर बदबू भी आएगी ना। तो डियो है ना। Committed or single? Committed. Love marriage or arranged marriage? Love marriage. Obviously बात है, when you are committed तो arranged marriage कहाँ से? लगता है पढ़ी लिखी है? हाँ पढ़ी लिखी है। अगर कोई लड़का होगा और ये होगी तो किसे चूज करना चाहेंगे? इसको, we already chosen है। आप सरोजनी मार्केट जाते आते हैं यहाँ पे कपड़े खरीदने, आप कपड़े खरीदते हैं, फ्रेंड्स की पार्टी में जाते हैं, तो यू टेल देम डायरेक्टली मैंने 50 का लिया है। यह लिया है। तो सबसे सस्ता आपने कितने का लिया है? 50। मतलब 50 में शिकंजी नहीं आती, कपड़े कैसे आते हैं? आते हैं, आप ढूंढ के देखो हर जगह। सही में? हाँ। एक ऐसा सॉन्ग जो अपनी वाइफ को आप डेडिकेट करना चाहेंगे? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अच्छा सिंगल हो या कमिटेड हो? आपको क्या पता? सिंगल हो या कमिटेड मुझे क्या? फिर भी इसके साथ रिलेशन हो। कल को आपकी शादी होगी तो फिर भी मैं चली जाऊंगी साथ में। मतलब दहेज में चले जाओगी क्या? इस गर्मी में ऐसा कौन सा गाना है जो आप डेडिकेट करना चाहेंगे? चुपती चलती गर्मी, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, चुपती चलती गर्मी। मेगा मेगा बरसोरे, मेगा मेगा बरसोरे, मेगा मेगा। कौन सा एक्ट्रेस जिसे फॉलो करते हैं? पढ़ाई करते हैं आप या जॉब? कॉलेज। एमबीबीएस स्टूडेंट्स। कबीर सिंह। तो मूवी कैसी लगी आप? कॉलेज से छुट्टी मारने का एक बहाना जो आप अक्सर मारती थी? ऐसा कुछ है कि पेट में दर्द हो रहा है या फिर हेडेक था, तो मतलब कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकते कि स्टमक के पेन क्यों है। तो एनी सॉन्ग, एनी बॉलीवुड सॉन्ग? दिल पर। दीपिका पादुकोण? यस। हां रणवीर सिंह्स वाइफ दीपिका पादुकोण। यस यस आई एम रमन। आप अपनी फ्रेंड के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहती हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? यस। तो उसके लिए कोई गाना गाते हो? अभी तक उससे बात ही नहीं हुई। मतलब एक तरफा प्यार है, गाना हो जाए अपनी धर्मपत्नी के लिए? ए मेरे जोरे जफी, तुझे ये मालूम नहीं तू अभी तक है जवान और मैं जवान। डू वॉच शो बॉक्स, अपना म्यूजिक, अपना स्वागत।